हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपना चैनल हाई फाई शरीफ। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर इस स्टेट का बता दीजिए, इस स्टेट का बता दीजिए, सर इस स्टेट का बता दीजिए। काफ़ी सारे लोग दिल्ली का पूछ रहे थे, काफ़ी सारे लोग यूपी का पूछ रहे थे, राजस्थान का पूछ रहे थे, जम्मू कश्मीर का पूछ रहे थे और एमपी का पूछ रहे थे काफ़ी सारे लोग। तो यहाँ पर मैंने सोचा एक वीडियो में सारे स्टेट का मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सीटें जो है वो अवेलेबल है। आज तारीख है 4 मई 2023 और आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं कहाँ कहाँ पे सीट्स जो है वो अभी भी अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं वो कहाँ कहाँ अभी भर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर उत्तर प्रदेश में नहीं भरना चाहते हैं क्योंकि सीटें हो चुकी है फुल अगर, तो वो कहाँ पे उनका एक जो और कहाँ पे वो डाल सकते हैं, एक ऑप्शन उनका क्या हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एमपी की बात कर लेते हैं, चूंकि एमपी से काफी सारे कमेंट्स आए थे कि सर एमपी का बता दीजिए, मध्य प्रदेश का बता दीजिए। चलिए एमपी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर और सतना और उज्जैन। सबसे पहले भोपाल के बारे में देख लेते हैं, तो भोपाल में अभी भी 49,863 सीटें जो है वो अभी भी खाली है भोपाल की, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जितने भी साथी मध्य प्रदेश वाले हैं वो भोपाल में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर ग्वालियर की, तो ग्वालियर में अभी भी 4,417 सीटें जो है वो खाली है। इंदौर की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 20,847 सीटें अभी भी खाली हैं। जबलपुर की बात करेंगे यहाँ पर, तो 8,825 सीटें अभी भी खाली, लगभग 8,000 से ऊपर खाली हैं। रेवा की बात करें यहाँ पर, तो 735 सीटें अभी भी खाली हैं रेवा की। सागर की बात करें यहाँ पर, तो 7,780 सीटें सागर की भी खाली हैं। उसके बाद सतना की बात करें तो यहाँ पर 2,052 सीटें खाली हैं, और उज्जैन की बात करें यहां पर दोस्तों 4,737 सीटें खाली हैं। यानी अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जितने भी यहां पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं जिसमें एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, तो इनमें आप क्या कर सकते हैं, इनमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह सीटें जो है वो अवेलेबल है। दूसरी यहाँ पर बात आती है दोस्तों, यहाँ पर दूसरी बात कर लेते हैं राजस्थान के, क्योंकि काफी सारे लोग राजस्थान से भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर राजस्थान में क्या है, कैसे है, और वहां पे क्या क्या सीटें अवेलेबल है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अजमेर, अलवर, बीकानेर, ये सारी चीजें हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग पहले वाले डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं, और पहले वाले डिस्ट्रिक्ट में जो है 5,502 सीटें अभी भी अवेलेबल है। दूसरे में देखते हैं हम लोग यहाँ पर, दूसरे में 12,176 अवेलेबल है, और तीसरे में देखते हैं तीसरे में भी अवेलेबल है, चौथे में देखते हैं चौथे में भी अवेलेबल है। उसके बाद जयपुर, जोधपुर, कोटा, यहाँ पर सारी चीजें देख लेते हैं। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर अभी भी 87,000 सीटें खाली हैं दोस्तों, सोच लीजिए 87,000 सीटें खाली हैं। जोधपुर की बात करते हैं दोस्तों, अभी भी 10,000 सीटें प्लस खाली हैं। कोटा की बात करेंगे ना, तो कोटा में भी अभी 8,000 प्लस सीटें जो है वो खाली हैं। शिकार की बात करेंगे तो यहाँ पर 3,122 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं। उसके बाद श्रीगंगानगर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 3,300 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर उदयपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी अवेलेबल है। यानी अगर राजस्थान से कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो मतलब आप कहीं भी अभी फुल कर आप अप्लाई कर सकते हो राजस्थान के इन जिलों में। जिले में एक लिस्ट में आपको दिखा दी, ये देखिए जिलों की लिस्ट ये है, और इसमें आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, हर जगह पे जो है दोस्तों अभी भी खाली है। इन जिलों में कहीं पर भी अप्लाई कर दीजिए, अभी हर जगह पे खाली है। तीसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे अगर हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे एक मैसेज किया था कि सर बता दीजिए क्या है कैसे है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बस दो ही तीन डिस्ट्रिक्ट होंगे, तीन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। एक है बारामूला, जम्मू और श्रीनगर। बारामूला की देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, बारामूला में जो है अभी भी 1,389 सीटें, यानी 13 लोगों ने अभी वहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया बारामूला में। उसके बाद बात करेंगे जम्मू की बात करेंगे तो दोस्तों, जम्मू में जो है 14,014 सीटें हैं, बट यहाँ पे अभी भी 13,593 सीटें जो है अभी भी खाली है। श्रीनगर की बात करेंगे तो 3,780 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं। तो आपका एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, और जम्मू कश्मीर हो गया। देन बात करेंगे हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना मेरे मित्रों, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो है आगरा जो है वो पहले से फुल हो चुका था, है ना। हर एक चीज मैं आपको बता दूंगा, आगरा जो है वो पहले से फुल हो चुका था। तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्या आगरा फुल है या देखिए, बिल्कुल आगरा फुल है। यहाँ पर आगरा फुल है आपका, इलाहाबाद फुल है, अयोध्या फुल है, और आपका बलिया फुल है। उसके बाद बरेली की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, बरेली में कुछ सीटें अवेलेबल थी, तो चलिए आज चेक कर लेते हैं बरेली में अभी अवेलेबल है या नहीं। तो बरेली में देख सकते हो दोस्तों, बरेली में कल के दिन जो है 5,563 सीटें अवेलेबल थी, बट आज के दिन 0 सीट हो चुके, यानी एक भी सीट खाली नहीं है।
उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर गाजियाबाद के। तो गाजियाबाद में अभी भी अवेलेबल, कल के दिन अवेलेबल थी और आज भी अवेलेबल है, क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ जाता है गाजियाबाद, इस वजह से अभी भी अवेलेबल है। उसके बाद गाजीपुर फुल था, गोरखपुर फुल था, झांसी फुल था, कानपुर फुल हो चुका है। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी में कल के दिन 4,088 सीटें अवेलेबल थी, बट आज देखते हैं तो यहाँ पर भी 0 सीटें जो है वो अवेलेबल हो चुकी है, यानी एक भी सीट जो है वो खाली नहीं है। लखनऊ फुल था, मथुरा फुल था। मेरठ की बात करेंगे तो मेरठ में कल के दिन 35,000 सीटें थी और आज भी 33,000 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं। उसके बाद मेरठ के बाद आता है आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद फुल था। नोएडा तो खाली होगा ही होगा, क्योंकि नोएडा में कल के दिन 14,000 सीटें थी और आज भी 10,000 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर सीतापुर फुल था, उसके बाद उन्नाव फुल था, वाराणसी फुल था, सहारनपुर में कुछ सीटें खाली थी, 1,183 सीटें खाली थे, देख लेते हैं सहारनपुर में। तो 1,183 सीटें कल के दिन खाली थे और आज भी अभी 466 सीटें जो है वो अभी भी अवेलेबल हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश वाले साथी जो है वो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे खाली हैं और कहाँ कहाँ पे फुल हो चुकी हैं। डेफिनेटली मैं अगर यही बात कहूंगा कि लगभग सीटें जो हैं वो फुल ही हो चुकी हैं। और अगर आप भी अगर अभी भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक मौका अच्छा ये बनता है ना, एक मौका अच्छा ये बनता है कि आप दिल्ली डाल दीजिए, है ना, दिल्ली में डाल दीजिएगा। नई दिल्ली, आपको दिल्ली जैसे डालेंगे तो यहाँ पे आपको नई दिल्ली का ऑप्शन मिल जाएगा, नई दिल्ली का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर भी अभी भी देख सकते हो 2,07,748 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख सीटें अभी भी अवेलेबल है। मात्र 15,275 लोगों ने अप्लाई किया है, तो आपके लिए एक दिल्ली जो है सुनहरा मौका बन सकता है, क्योंकि दिल्ली में अभी बहुत सी सीटें अवेलेबल है नई दिल्ली में, और जाने वाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। बस की सुविधा भी है, ट्रेन की सुविधा भी है, बस आप घर वालों के साथ, मतलब किसी मतलब ट्रस्टेड पर्सन के साथ ही, या फिर आप अपने गार्जियन के साथ जो है जाए वहां पर, क्योंकि दिल्ली है और दिल्ली के बारे में तो आपको पता ही, ठीक है। बाकी यहाँ पे सीटें की बात करेंगे तो सीटें तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यहाँ पर 2,07,748 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं, तो आपके लिए ये मौका बन सकता है कि आप दिल्ली को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने इसकी लिस्ट है वो टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर जा करके इसको अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए दोस्त मित्र के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।